श्री भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है, जिसे मनुष्य को जीवन, कर्म, ध्यान, शांति, सत्य, योग और सफलता के बारे में सभी महत्वपूर्ण विषयों को गहराई से जानने को मिलता है। जो ज्ञान किसी को भी मनुष्य के जीवन में उपयोगी सिद्ध होता है। श्री भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुरुक्षेत्र में न केवल ज्ञान की बातें बताई, उनके साथ जीवन जीने की कलाओं के बारे में ही बताया। तो आइए जानते हैं क्या है वो विशेष बातें। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके साथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उनके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसे उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। मन की गतिविधियों, होश, हवास और भावनाओं में माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनको आसाव रखी जिन्हें हमें नहीं रखनी चाहिए। मैं ही इस सृष्टि का रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। शांति से ही दुखों का अंत होता है और शांति चिंत मनुष्य वृद्धि सिद्धि स्थित होकर परमात्मा से मुक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना कर मिले और ना फिर हमारे जीवन में प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छिप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। जितना भी छुपा ले, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देते हैं, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितने भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्ते को कितने भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवे उसका कोई नहीं। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतित करने से विषयों की आस्तिक होती है, आस्तिक से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से मनोहन और अभिवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ,
जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो व्यक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। मनुष्य उसके लिए शोक करते हैं जो शोक करने के योग्य नहीं, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति का जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा है जो स्वार्थ रहित परम प्रीत हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।